आखिरकार वो वक्त आ गया जिसका इंतज़ार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, यानी कि इंडिया का त्यौहार और क्रिकेट का महायुद्ध आईपीएल। आज शाम यानी 26 मार्च को शाम 7:30 बजे आईपीएल का 15वां सीज़न शुरू हो जाएगा और पहला मैच खेला जाएगा कोलकाता और चेन्नई के बीच। अभी आप जैसे देख सकते हैं मेरे आसपास बच्चे खड़े हैं जो कि क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। पीछे ग्राउंड है, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स के बहुत सारे सपोर्टर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं उनसे बातचीत करूँगा। तो आईपीएल जो आज से शुरू हो रहा है तो उससे बच्चे कितने एक्साइटेड है। तो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? आवाज़ नहीं आ रहा, जोर से बोलो। अच्छा, तुमसे थोड़ा बात करते हैं, आज कोलकाता चेन्नई के मैच में कौन जीतेगा? केकेआर। आप बता दो। केकेआर और चेन्नई के मैच में कौन सी टीम भारी पड़ने वाली है? कोलकाता। बेस्ट टीम ऑफ कोलकाता केकेआर। फैन है उसके बारे में कुछ? हम कोलकाता के फैन हैं, कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता को सपोर्ट करना हमारा धर्म बनता है। कोलकाता को, हाँ धर्म बनता है, कोलकाता को फ़र्ज़ है, क्योंकि हम लोग कोलकाता में रहते ही हैं, उसको ही सपोर्ट करेंगे और जीतेगा भी कोलकाता ही आज। और बहुत सारी चेंजिंग हुई है टीम में, नए कप्तान आए, यंग कैप्टन आए श्रेयस अय्यर, उनसे कितनी उम्मीद है? तो क्या उम्मीद, अच्छा खेलने की उम्मीद, कुछ लोग अच्छा खेलें, टीम को और आगे ले जाएँ। चेन्नई भी बढ़िया टीम है, ऐसी बात नहीं कि चेन्नई भी अच्छा टीम है। पकड़ी भी है कि जीत, बस कलकत्ता जीत जाए, दुआ यही करते हैं कलकत्ता जीतेगा। एक प्लेयर होता है जिस पे बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है, तो सबसे ज़्यादा फेवरेट खिलाड़ी कौन है जिसके आप बहुत बड़े फ़ैन भी हो? रसल। अच्छा, तो यहाँ पे रसल का फैन कौन कौन है? सभी है। कलकत्ता जीतने वाला है कि नहीं, आवाज़ निकाल लो। कौन जीतेगा? तो आज के मैच के बारे में आप थोड़ी अपनी बात करिए। केकेआर विन होगा। कब से सपोर्ट कर रहे हैं केकेआर को? कब से पैदा हुआ केकेआर का? हम 2008 से कर रहे हैं। अच्छा, 2012 और 2014 में चैंपियन हुआ था कोलकाता, उसके बाद से एक भी टाइटल नहीं आया, तो क्या लगता है इस साल कुछ होने वाला है अलग? हाँ, इस साल इंशाल्लाह केकेआर चैंपियन होगा। ऑफ कोर्स कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार अपना बहुत अच्छा टीम बना चुकी है। यंग कैप्टन श्रेयस अय्यर मिल चुका है हम लोगों को, अच्छा ऑलराउंडर पैट कमिंस मिल चुका है और एरन फिंच, ये दो प्लेयर अभी 4-5 मैच में अवेबल नहीं रहेंगे, पर हमारे पास बहुत ही अच्छा स्क्वाड है। आंद्रे रसल, आज उनका बल्ला बहुत अच्छा चलने वाला है, रसल मसल कर देंगे, आज मसल के रख देंगे सबको, और हमें बदला भी लेना है फाइनल मैच का। ऐसा कोई बात नहीं है, सीएसके मेरा दुश्मन है, मेरा कोई टीम दुश्मन नहीं है, क्रिकेट मेरा फेवरेट है, क्रिकेट में कोई चीज़ मेरी दुश्मनी नहीं है, क्रिकेट से कोई चीज़ से। केकेआर बहुत अच्छा टीम है, केकेआर के अगेंस्ट में कोई भी टीम हो, केकेआर दिल से ओनली केकेआर निकलता है। मैं धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, केकेआर के जर्सी में मैंने धोनी का नंबर लिखवाया। इस बार केकेआर को दिखाना है, हम लोग ठीक 8 साल के बाद जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि ये अपने होम टीम है और मैं चाहता हूँ कि कोलकाता नाइट राइडर अच्छे से अच्छा रन से जीते। तो नाइट राइडर्स के कैप्टन इस बार यंग आए हैं श्रेयस अय्यर, उनसे कितनी उम्मीद है आप? वो काफ़ी यंग है, बट आज देखने की वो क्या स्ट्रेटजी रहता है, और वो काफ़ी अच्छे सूझबूझ के साथ भी खेलते हैं। और दोनों टीमों में आपका फेवरेट कौन है? ऑलवेज वी आर केकेआर। तो चेन्नई ने फाइनल में हराया भी था नाइट राइडर्स को लास्ट ईयर, तो क्या बदले के लिए उतरेगी केकेआर? आज बिल्कुल केकेआर विन होंगी क्योंकि काफ़ी अच्छा सेट लेके खेल रहे हैं और बिल्कुल केकेआर आज विन होंगे। तो 4 बड़े खिलाड़ी नए लिए गए हैं, मोहम्मद नबी, सैम ब्लिंग्स, एरन फिंच, श्रेयस अय्यर, इन चारों में सबसे ज़्यादा भरोसा आपको किन खिलाड़ियों पर है? एरन फिंच, वो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। हमारे साथ एक सीएसके के फ़ैन भी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। तो आज मैच कोलकाता और चेन्नई का है, आप हैं कोलकाता में लेकिन आप चेन्नई के फ़ैन हैं, तो इसके पीछे आप रीज़न बताएं। धोनी तो ऑलवेज रीज़न धोनी, सो धोनी इज़ अ गुड प्लेयर, कैप्टन कूल, सो धोनी को सपोर्ट करना चाहते हैं हम, खुद से भी धोनी को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए केकेआर में कोलकाता में रहते हैं इसलिए नहीं, बट दिल से चाहते हैं धोनी, बस इसलिए धोनी को सपोर्ट करना चाहते हैं सीएसके को बस। अच्छा, चेन्नई ने इस बार रिटर्न किया रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी और फिर बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं, तो सुरेश रैना जो इनको मिस्टर आईपीएल कहते हैं इस बार आईपीएल में नहीं नज़र आएंगे, तो उससे आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? हाँ, थोड़ी फ़र्क पड़ने वाला है, और बैटिंग लाइनअप में थोड़ी फ़र्क पड़ने वाला है, बट
कैप्टन कूल तो है, बस मैनेज हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। आपके 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 पसंदीदा खिलाड़ी कौन कौन है चेन्नई में? चेन्नई में मोइन अली है, कैप्टन कूल तो है ही, और इधर रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, बस। नहीं कहा तो इसमें फेवरेट टीम कौन है आपका? हमारा फेवरेट तो कोलकाता ही है। कोलकाता क्यों फेवरेट है, इसके पीछे एक रीज़न भी बता दीजिए। कोलकाता इसलिए फेवरेट है कि शुरू हम तो कोलकाता में रहते हैं, ठीक, कोलकाता का सपोर्ट तो हम किसी का भी कर सकते हैं, मगर कोलकाता इसलिए मेरा बेस्ट, हम कोलकाता में रहते हैं। और फिलहाल मेरा प्लेयर उसमें है, अच्छा अच्छा प्लेयर मेरा है अभी फ़िलहाल, बट कमिंग्स जो बॉलर है वो मेरा फेवरेट बॉलर है, बट कमिंग्स। और रहा बैट्समैन में, अभी फ़िलहाल अभी कैप्टन तो श्रेयस अय्यर को मिल गया, वो भी अच्छा प्लेयर है। और रहा बात, एरन फिंच भी है शायद, और एलेक्स हेल, ये बहुत अच्छा है कि एलेक्स हेल जो ओपनर है बहुत ही अच्छा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और कैप्टन बहुत बेस्ट मिल गया, अच्छा है कि कैप्टन मिल गया, और बॉलर पट कमिंग से, और भी इसमें रिंकू सिंह एक तो है बैट्समैन, वो भी अच्छा है, और वेंकटेश अय्यर, ये भी ऑलराउंडर अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं कोलकाता को पसंद करता हूँ। और आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, ये तो आपके बात से पता चल ही रहा है, लेकिन आपको शायद ये बात पता भी हो, मैं बता दूं कि पैट कमिंस और एरन फिंच स्टार्टिंग के 4-5 मैच के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं, तो उनको फिर बायो बबल सिक्योर आकर थोड़ा वक्त बिताना होगा टीम के साथ। तो ये दो जो बड़े खिलाड़ी हैं, पैट कमिंस और एरन फिंच, ये जो शुरुआती 4-5 मैच में नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो इससे क्या टीम को फ़र्क पड़ेगा? देखिए फ़र्क तो पड़ सकता है, मगर अब देखिए उसमें सुनील नारायण तो खेलेंगे और एंडर रसल भी खेलेंगे, ये काफ़ी हो सकते हैं, मगर अब चिन्ने भी कम नहीं है फिलहाल, अब इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पहले तो टॉस जीतना पड़ेगा, टॉस जीतने के बाद ये लोग क्या फैसला लेते हैं, मेरे ख्याल से फील्डिंग ले तो बेहतर है, इसलिए बैट्समैन पिच पहला फर्स्ट गेम है तो फील्डिंग ले तो बहुत बेहतर है। और आईपीएल का जो सबसे बड़ा एक थोड़ा मज़ा ख़राब हो गया है कि कोविड को मद्देनज़र रखते हुए सारे मैचेस महाराष्ट्र में, मुंबई, पुणे में खेले जाएंगे, तो कोलकाता में मैच नहीं है, तो क्या इससे थोड़ा आप डिसअपॉइंट है क्या? बहुत ही फ़र्क है, नाराज़ रहेंगे कोलकाता के लोगों, फ़िलहाल यहाँ देखने का मज़ा ही और कुछ रहता, कोलकाता का लोगों को, बच्चे लोगों को बहुत शौक है, यहाँ का भी गेम रहता तो सब प्लेयर लोग को देखते, छक्का चौका देखते मज़ा आता, फ़िलहाल वहाँ कोविड की वजह से हो गया है तो कुछ अच्छे ही किए होंगे लोग सोच के। चलिए आप मैच तो नहीं देखने जा सकते, लेकिन यहीं पे बहुत सारे बच्चे, सब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप लोग यहीं से एक ऐसा चीयर कर दें जो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम तक ये आवाज़ पहुंच जाए, तो कौन जीतने वाला है? केकेआर! और जोर से केकेआर! आवाज़ नहीं आ रहा है? केकेआर! बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कोलकाता के कुछ बच्चे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे आज के मैच को लेकर, कोलकाता और चेन्नई के बीच। तो आपने उत्साह देखा बच्चों में, कैसा उत्साह है अपनी टीम को लेकर। अब ये मैच कौन जीतता है ये तो आज शाम को ही पता चलेगा 7:30 बजे से, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आप भी कि आज के मैच में कौन जीतने वाला है, कोलकाता या चेन्नई। बहुत बहुत